अमेरिका च लगातार भारतीयों के नस्ली हमले हो रहे ने। एक होर घटना वापरी है जिस पंजाबी हीरो एक्टर वाल वाल बचे ने। यह पंजाबी एक्टर जदों जिम दे विच एक्सरसाइज कर रहे सन, फिर एक उत्थे अमेरिकन वालों उन्होंने उपर कुहाड़ी दे नाल हमला किया गया। पंजाबी सिंगर वाल वाल बचे जिहड़े इस टाइम हस्पताल दे विच जेरे इलाज ने, कई पंजाबी गाणियां दे विच, पंजाबी फिल्मों दे विच, इतों तक कि बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके ने अमन धालीवाल। खुद अमन धालीवाल ने अपना बचाव किया, हमलावर नूं फड़ लिया, फिर उस तो बाद जिहड़े जिम दे विच होर भी एक्सरसाइज कर रहे सी उन्होंने भी आके इस हमलावर नूं काबू किया ते पुलिस नूं फड़ा दिता गया। विदेशों में पंजाबी हो जां भारतीयों लगातार उन्होंने नस्ली हमले हो रहे ने, और हुण अमेरिका दे विच जिहड़े पंजाब दे बहुत ही नामवर हीरो अदाकार एक्टर अमन धालीवाल ते कुहाड़ी दे नाल हमला किया गया। हिम्मत करके जोर दे नाल अमन धालीवाल ने खुद हमलावर नूं फड़िया ते फिर हेठां सुट लिया ते बाद च इस हमलावर नूं पुलिस दे हवाले कर दिता गया। फिलहाल अमन धालीवाल हस्पताल दे विच ने, जेरे इलाज ने, जिथे उन्हां दा इलाज चल रहा ते हालत अमन धालीवाल दी ठीक आ। जिहड़ी जानकारी मिली आ कि अमन धालीवाल जिथे अमन धालीवाल ते हमला होया वो एक जिम सी जिथे अक्सर ही अमन धालीवाल उत्थे जिम च जाके वह एक्सरसाइज कर रहे सन। अचानक एक हुडी पहने होया व्यक्ति आ जांदा जिहदे हत्थां दे विच एक बहुत ही तिखा हथियार सी, कुहाड़ी जिहनूं कहा जांदा हैगा। वह उच्ची उच्ची उत्थे लोकां नूं गालां कढ रहा सी और उन्हां नूं रोकण दे जतन किए जा रहे सी। इस दरमियान उस हमलावर ने अमन धालीवाल ते हमला कर दिता, लेकिन फुरती दे नाल, जोश दे नाल ते होश दे नाल अमन धालीवाल ने उन्हूं जफा पा लिया ते फिर उन्हूं हेठां सुट लिया। उस तो बाद जिहड़े बाकी भी जिम दे विच लोग खड़े सन वह भी पहुँच गए ते फिर हमलावर नूं काबू कर लिया। बाद च पुलिस बुलाई गई ते पुलिस दे हवाले उस नूं हमलावर नूं किया गया गा। हुण अमन धालीवाल कौन ने? असल च अमन धालीवाल पंजाबी फिल्मों के जाने माने एक अदाकार ने, एक्टर ने, हीरो ने। वैसे मानसा के रहने वाले ने अमन धालीवाल। उन्होंने अपने इस फिल्मी कैरियर की जी शुरुआत बतौर मॉडल की सी, फिर उन्होंने कई पंजाबी गाने दे विच जगह मिली और इस तो बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म दे विच काम करना भी शुरू कर दिता। जोगिया वे जोगिया गीत विच उन्हां दी जिहड़ी मॉडलिंग देखने मिली सी, उस तो बाद उन्हां दी काफ़ी प्रशंसा हुई उन्हां दी अदाकारी नूं देख के। फिर उन्हां दा पंजाबी फिल्मों दे विच उन्हां दी एंट्री जबरदस्त हुई। बॉलीवुड फिल्मों विच भी काम कर चुके ने, जिथे पंजाबी फिल्मों दे विच काम किया उत्थे बॉलीवुड फिल्म बहुत ही नामी फिल्म जिहड़ी उन्होंने काम किया हैगा जोधा अकबर दे विच भी वह रोल अदा कर चुके ने। और अगर पंजाबी फिल्म की गल की जाए तो एक कुड़ी पंजाब दी दे विच भी वह नज़र आए ने। अमन बारे दस्सिया जांदा कि शुरुआती दिनों दे विच वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने फिर मॉडलिंग दे विच पैर अजमाना शुरू कर दिता, किस्मत अजमानी शुरू कर दी हैगी और मॉडलिंग दे विच उन्होंने अपने पैर पा लिया गए। इस खेत्र दे विच उन्होंने अपना कैरियर बनाउण दा फैसला किया हैगा। फिर डॉक्टरी की पढ़ाई छड़ चुके फिर उन्हें मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। इस तो बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों के बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिता। तो इस टाइम एक वड्डे अदाकार के तौर पर अमन धालीवाल को देखा जा रहा है। और सब तो वड्डी गल है कि अमेरिका दे विच काफ़ी नस्ली हमले हो रहे हैं और बाकी मुल्कां दे विच भी भारत सरकार वालों भी लगातार जिहड़ा वख-वख देशां नूं लिखिया जांदा है कि भारतीयों के जिहड़े नस्ली हमले हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पंजाबियों के भी बहुत ज़्यादा हो रहे। जदों अमेरिका 9/11 हमले तो बाद बहुत सारे सिखां दे हमले हुए सी, क्योंकि असामा बिन लादन तो बाद उत्थे वसदे अमेरिकन नूं ये लगा कि शायद जिहड़ा सिख भाईचारा वह भी इन्हां दे नाल ही संबंध रखता है जिस हिसाब दे नाल पहरावा जां होर आ। लेकिन उस तो बाद बहुत सारे हमले हुए ने, लेकिन ये लगातार हमले जिहड़े हो रहे ने वह रुक नहीं रहे। तो हुण पंजाबी एक्टर जां बॉलीवुड एक्टर अमन धालीवाल वाल वाल बचे जदों जिम दे विच प्रैक्टिस कर रहे सी उस उन्हां ते फिर कुहाड़ी दे नाल हमला किया गया। उन्हां दे मोढे ते सट लगी हैगी, कट लगा हैगा। फिलहाल वह हस्पताल दे विच दाखल ने, जेरे इलाज ने, हालत ठीक है, लेकिन हमलावर नूं उन्होंने फड़ के पुलिस के हवाले कर दिता गया। भारत सरकार नूं फिर अजिहे नस्ली हमले रोकण वास्ते
उत्थों दीआं सरकारां दे नाल लगातार संपर्क बनाई रखना चाहीदा गा, क्योंकि लगातार खास करके अमेरिका वर्गे मुल्क दे विच भारतीयां दे बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। फिलहाल ताडा बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह देखते रहो ABC पंजाब, धन्यवाद।